वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। दिस इज अरुण एपीजी इंटीरियर ब्लॉग। मेरा नाम अरुण है, मैं इंटीरियर के रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। आज का टॉपिक फॉल सीलिंग के बारे में, सो चालू करते हैं आज का वीडियो। फॉल सीलिंग के बारे में बहुत सारे कंसेप्ट है, मिसकंसेप्ट भी बोल सकते हैं। मेनली अपने इंडिया में कैसे चलता है कि सीलिंग का मतलब है कि सीलिंग में डिजाइन करना, लेकिन फॉल सीलिंग का मेन पर्पस ये है कि आपको अच्छे से लाइट मिले, लाइट सोर्स मिले। जबकि यहाँ पे दो तरीके के लाइट्स होते हैं नॉर्मली, एक डिफ्यूज लाइट इफेक्ट जिससे एम्बियंस क्रिएट होता है, और दूसरा रहता है जनरल लाइट्स। ये मेन पर्पस होता है फॉल सीलिंग बनाने का और वायरिंग छुपाने का। जैसे बहुत सारी सर्विसेज सीलिंग से जाते हैं, जैसे स्प्रिंकलर है, स्पीकर्स है, स्मोक डिटेक्टर्स है, तो ये सब चीज़ें जो सीलिंग से पास होती है उसको हाइड करने के लिए भी मेन फॉल सीलिंग का यूज़ होता है। लेकिन बहुत सारे लोगों में ऐसे मिसकंसेप्ट होता है कि सीलिंग करना है इसका मतलब डिज़ाइन करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ाइन दिखना चाहिए। लेकिन आप जहाँ पे भी जाओगे, आप 5-स्टार कैटेगरी के होटल्स देखिए, 4-स्टार कैटेगरी होटल्स देखिए, जितने भी एक्सक्लूसिव होटल्स रहते हैं वहाँ पे मैक्सिमम आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो वहाँ पे आपको सीलिंग प्लेन मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे डिज़ाइन पे ज़्यादा काम किया नहीं जाता। क्योंकि इसका रीज़न और एक भी है कि आपको स्पेस बड़ी दिखनी चाहिए विजुअली, इसीलिए मिनिमल डिज़ाइन रहता है जिससे कि मेन पर्पज़ जो है वो सॉल्व होना चाहिए। सो आज देखते हैं हम फॉल सीलिंग का डिज़ाइन कैसे करें। अभी एक एक जैसे पॉइंट में कवर करते जाऊँगा। पहला पॉइंट है कि बेसिक चीज़ें पहले डिज़ाइन में आनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल फैन, लाइट्स ऐसे पोजिशन हो कि लाइट्स को फैन जो रहता है उसके ब्लेड की वजह से शैडो क्रिएट ना हो, वो आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे अगर मान के चलिए सीलिंग का फैन जो है सेंटर में लिया है, तो उससे कम से कम 3 फीट डिस्टेंस रख के आपके लाइट पॉइंट्स आने चाहिए। जिससे क्या होगा कि सीलिंग फैन जब चालू होगा तो उसके ब्लेड जब घूमेंगे तो शैडो क्रिएट नहीं होगी। तो ये मेन पर्पस होता है हर एक सीलिंग डिज़ाइन करते समय। पहले आपको ये जानना है कि बेसिक आपकी चीज़ें क्या क्या है, जैसे स्पीकर का पोजीशंस लेना है या स्मोक डिटेक्टर है। स्मोक डिटेक्टर ये ज़्यादा करके कमर्शियल में चलता है, लेकिन होटल्स का अगर आप डिज़ाइन कर रहे हैं रूम तो उसमें स्मोक डिटेक्टर कंपलसरी रहता है। स्मोक डिटेक्टर आ गया, स्पीकर्स आ गए, तो ये पहले पोजीशन आपको फाइनल करना ज़रूरी है। ये बेसिक चीज़ है। इसके बाद चालू होता है अपना डिज़ाइन कंसेप्ट। इसके बाद जो जगह आपके पास बचेगी फिर उसमें आप प्ले कर सकते हैं डिज़ाइन में, उसमें लेवल डिफरेंस कितने करने हैं। यानी जैसे मिनिमम लेवल डिफरेंस होता है 6 इंच डाउन, सो 3 इंच, 6 इंच और 0 लेवल, ये 3 लेवल में आप डिज़ाइन कर सकते हो। डिज़ाइन करते समय ये ध्यान रखिए कि डिफ्यूज लाइट जहाँ पे भी आता है वहाँ पे ओवरलैप फैन का पोजीशन नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि कौन सा भी लाइट फैन के ब्लेड से वो कट नहीं होना चाहिए। इसीलिए मेन पर्पज़ होता है कि आपको डिज़ाइन करते समय ये बेसिक चीज़ जान के लेनी चाहिए। अभी डिज़ाइन करते समय आपको मटेरियल्स में भी बहुत सारे वेरिएशंस आएंगे, यानी आप बहुत सारे मटेरियल्स, टाइप ऑफ मटेरियल्स यूज़ कर सकते हो। जैसे नॉर्मली चलता है पीओपी सीलिंग, यानी पीओपी यानी जिप्सम सीलिंग, उसकी थिकनेस रहती है 12 mm, उसके ऊपर सेक्शंस रहते हैं एल्यूमिनियम GI सेक्शंस होते हैं, वो सेक्शंस यूज़ करके नीचे से उसको जिप्सम का शीट लगा के हम फिनिशिंग करते हैं। ये हो गया जिप्सम का। आजकल PVC सीलिंग बहुत ट्रेंड में है, आप वुडन सीलिंग भी करवा सकते हो। कमर्शियल स्पेसेस में ज़्यादा करके आपको ग्रिड सीलिंग दिखेगा, यानी 2 फीट बाय 2 फीट का ग्रिड सीलिंग मिलेगा। उसमें कैल्शियम के शीट्स आते हैं, उसमें आप चाहिए तो एक्रेलिक का शीट यूज़ कर सकते हैं जैसे बाथरूम्स में, क्योंकि लाइट सोर्स अच्छा मिलने के लिए, तो वो भी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे मटेरियल्स अवेलेबल है, लेकिन कौन सी भी मटेरियल यूज़ कीजिए, लेकिन बेसिक पर्पज़ ये ध्यान रखिए कि फॉल सीलिंग का पर्पज़ ये है कि आपको अच्छे से लाइट देना, और उसमें भी एक डिफ्यूज लाइट इफेक्ट और एक जनरल लाइट इफेक्ट, ये दो चीज़ें अचीव होनी चाहिए। फिर इसके बाद आप फोकस कीजिए डिज़ाइन के ऊपर। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जब सीलिंग करते हैं उसमें एकॉस्टिक मटेरियल भी यूज़ किया जाता है, जैसे हीट रेजिस्टर्स बोल सकते हो आप, या एकॉस्टिक साउंड के लिए भी यूज़ होता है। ये थोड़ा कैसा है कि प्रो लेवल बोल सकते हैं, क्योंकि एकॉस्टिक और ये ज़्यादा करके होम थिएटर्स में यूज़ होता है। अलग अलग सीलिंग्स उसमें भी आते हैं, परफोरेटेड सीलिंग्स भी रहते हैं, जो परफोरेटेड सीलिंग में होल्स होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है साउंड एब्जॉर्ब होता है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है, थोड़ा डीप है, इसके ऊपर मैं अलग से एक टॉपिक ज़रूर बनाऊँगा।
अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कमेंट करके बोलिए आपको कौन से टॉपिक पे सुनना पसंद करेंगे, कौन सा इंटीरियर का प्रोडक्ट है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, क्योंकि मेरा हमेशा का मोटो ये है कि आप पहले सीख के लीजिए। स्टूडेंट है तो पहले दो साल कंप्लीट, दो साल आप ये फील्ड को दीजिए, समझिए हर एक चीज़ छोटी मोटी, इसमें जो भी चीज़ें वो पहले फॉलो कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद अपना खुद का बिजनेस कीजिए, तभी आप इसमें सक्सेस हो सकते हो। अब आते हैं कॉस्टिंग के ऊपर। अभी कॉस्टिंग बहुत सारे वेरिएशंस आएंगे मटेरियल के हिसाब से और लोकेशन के हिसाब से, बट एक मान के चलते हैं कि आपको अगर कोटेशन निकालना है तो वो कैसे निकालना है। तो पहले तो आप प्लेन सीलिंग का एक कोटेशन निकाल सकते हैं, जो भी मटेरियल है उसमें आपको ऊपर का फ्रेमिंग वर्क पहले ही कंसीडर करना है, फिर उसके ऊपर आप फिनिशिंग शीट्स कौन से लगा रहे हैं ये बहुत ही मैटर करता है। जैसे ऊपर जीआई के सेक्शन है तो नीचे आप उसके ऊपर पीवीसी सीलिंग यूज़ कर सकते हो, जिप्सम सीलिंग यूज़ कर सकते हो मटेरियल, या फिर वुडन का भी ऑप्शन है आपके पास, वुडन का यानी प्लाईवुड फिनिश करके उसके ऊपर विनियर लैमिनेट ये भी आप करवा सकते हो। सो डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल है, तो बेसिक आपको ये याद रखना है कि बेसिक मटेरियल में पहले फ्रेम स्ट्रक्चर का क्या कॉस्ट आएगा, उसके ऊपर शीट कौन सा आप लगा रहे हो और लेबर कितना है, ये तीन चीज़ें आपको ध्यान में लेनी है। या किसी ने भी आपको कोटेशन दिया अगर उसको आप पूछ सकते हो ब्रेकअप, जैसे फ्रेमिंग का कॉस्ट कितना जाएगा और उसके ऊपर मटेरियल कौन सा यूज़ कर रहे हो उसका कॉस्ट जाएगा और लेबर कितना है, तो ये तीन चीज़ें। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन है, वेस्टेज है, ये भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा, उसी बात पे हम स्टिक नहीं रह सकते। लेकिन जनरली एक सीलिंग मान के चलिए ₹50-60 से लेके, फिर वो अगर वुडन का सीलिंग है तो 500-700 तक भी जा सकता है, डिपेंड ऑन मटेरियल अगेन, क्योंकि बहुत सारे निगेटिव कमेंट्स बहुत जल्दी आते हैं जब कॉस्टिंग का आता है, अरे इतने में कैसे आता है, नहीं ये तो आपको किसी ने उल्लू बनाया है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो इस फील्ड में वो अच्छे से जानते हैं। आप खुद ब्रेकअप लीजिए और उसके बाद कैलकुलेशन कीजिए। बोलना आसान होता है लेकिन ब्रेकअप में कॉस्टिंग निकाल के काम करना मुश्किल होता है। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, ऑलवेज मैं हमेशा बोलता हूँ मेरा काम है एजुकेट द क्लाइंट, एजुकेट द स्टूडेंट्स। इंटीरियर फील्ड में कॉम्पिटिशन होना चाहिए लेकिन हेल्दी कॉम्पिटिशन होना चाहिए, सिर्फ मेरा यही मोटो है। मेरा ये कोई ये नहीं कि मैं एक कॉस्टिंग के ऊपर इतना आएगा उतना आएगा, स्टिक कभी भी हम कॉस्टिंग के ऊपर नहीं रह सकते, क्योंकि ये कॉस्ट डिफर होती है मटेरियल वाइज, लोकेशन वाइज और लेबर का स्किल कितना है, इसके हिसाब से ये वेरिएशंस आते रहे। हमेशा कॉस्टिंग निकालते समय नॉर्मली जो वेंडर होता है वो प्लेन सीलिंग का ही रेट देता है, जिससे क्या होता है कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है क्लाइंट और वेंडर के बीच में। नॉर्मली कॉस्टिंग कैसे निकाला जाता है, प्लेन सीलिंग का एक कॉस्ट अलग से होता है जहाँ पे लेवल डिफरेंस आए, जैसे मान के चलिए कि स्लैब से 3 इंच डाउन आया है सीलिंग और एक तरफ 6 इंच आया है, सो 3 इंच और 6 इंच के डाउन के बीच में 3 इंच का डिफरेंस है, सो 3 इंच का जो डिफरेंस होता है दैट विल कैलकुलेट इन रनिंग फीट। सो रनिंग फीट भी चार्ज जो करते हैं वो सिंगल रनिंग फीट नहीं होता है, आप साइड में देख सकते हो ये मल्टीप्लाई 3 हो जाता है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको पहले वर्टिकल आएगा फिर हॉरिजॉन्टल अगेन वर्टिकल, ये 3 पार्ट में रनिंग फीट में काउंट होता है। तो अगर मान के चलिए कि अगर आपका 10 फीट बाय 10 फीट का रूम है, इसका प्लेन सीलिंग 100 स्क्वायर फीट हो गया जो आपको रेफरेंस इमेज में दिख रहा है, तो बॉर्डर घुमा रहे हो तो बॉर्डर का मान के चलिए साइड से मैंने 6-6 इंच छोड़ दिया, तो बीच वाला जो पोर्शन डाउन किया मैंने उसका मेजरमेंट हो गया 9 फीट बाय 9 फीट, सो 9 फीट मल्टीप्लाई 4, सो 36 रनिंग फीट, ये सिंगल हो गया मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया सेक्शन में 3 काउंट करना पड़ता है, सो 36 मल्टीप्लाई 3 तो ये अराउंड हो गया आपका 90106, सो 106 स्क्वायर फीट या रनिंग फीट बोल सकते हैं, ये आपके प्लेन सीलिंग में ऐड हो जाएगा। तो कितना हो गया 10 बाय 10 का प्लेन सीलिंग 100 स्क्वायर फीट, अगेन रनिंग फीट 106, सो आपका 10 फीट बाय 10 फीट का रूम का जो कॉस्टिंग निकलेगा दैट इज 100 + 106 मल्टीप्लाई जो भी रेट है उसके हिसाब से वो काउंट होगा। तो ये पहले वेंडर बोलते नहीं है, नॉर्मली जो अच्छे वेंडर है वो पूरा एक्सप्लेन करते डिज़ाइन के हिसाब से, इसीलिए सीलिंग में जितना डिज़ाइन उतनी कॉस्ट आपकी बढ़ेगी, तो ये ध्यान रखिएगा और वेंडर को पूरा क्लियर पूछ के लीजिएगा कि मैं ये डिज़ाइन चाहता हूँ तो इसका कॉस्टिंग कितना जाएगा, वो उसका काउंट कैसे होने वाला, इससे क्या होगा कि आपको अच्छे से रेट कैलकुलेशन पता चलेगा और कहीं पर भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी।
सो दैट्स इट गाइज, दिस इज आवर ओन एपीजी इंटरव्यू ब्लॉग। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू।